दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, खूब सारी अष्टलक्ष्मी का वास, धन वैभव ऐश्वर्य पूर्णता से मिले आपको। पूजा के लिए, लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं, धन की आवश्यकता नहीं, मन की आवश्यकता चाहिए। लक्ष्मी जी भाव के भूखे हैं, परमात्मा भाव का भूखा है। संसार में ऐसी कोई दिव्य पदार्थ नहीं जिनसे परमेश्वर की पूजा की जा सके, यह शास्त्र प्रमाण। उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, आपके ख्याल में आ जाए पूरी कहानी, पूरी बात समझ में आ जाएगी। सेठ जी थे, बड़े धनाढ्य थे। आस पड़ोस के व्यक्ति, पड़ोसी सब कहते, सेठ जी कुछ दान दिया करो, मंदिर में दिया करो, कोई धार्मिक जगह दो, गौ माता को रोटी खिलाओ, कुत्ते को रोटी खिलाओ, पशु पक्षी को दाने खिलाओ, कुछ पूजा वगैरह रखो अपने घर पर, पुण्य करने की बातें कहते और सेठ जी को पसंद नहीं आती। ये कैसी बातें करते हैं? सेठ जी तो सुबह जल्दी से नहाए धोए और सुबह 6 बजते ही 6:30 बजे ही दुकान खोल देते अपनी, क्योंकि सुबह कोई जाने वाला होता तो कुछ ग्राहकी हो जाती, कहीं किसी को जाना है तो कुछ सामान लेके जाता। अब बाकी सारी दुकानें तो बंद रहती, वो 8-9 बजे खोलते, वो सुबह 6 बजे खोलते, कुछ ग्राहकी कर लेते, होती कम ही लेकिन होती अवश्य। अब सेठ जी को सब पड़ोसी परेशान करे तब वो कहते ऐसे पड़ोसी किसी को नहीं दे, ईश्वर को कहते। अब परिवार वाले भी कहते कहीं कभी पूजा रख दो, पुत्र भी कहता, पुत्री भी कहती, पत्नी भी कहती, कुछ तो रखो पूजा वगैरह। अब पूजा में तो सारी सामग्री चाहिए, ब्राह्मण को भी आमंत्रित करना पड़ता है, अपने रिश्तेदारों को भी बुलाना पड़ता है, भोजन भी रखना पड़ता है, प्रसाद भी वितरित करना पड़ता है। सेठ जी को पसंद नहीं आता। एक दिन सेठ जी बैठे ही थे और कोई साधु महाराज निकले, सेठ जी को देख करके उन्होंने आवाज दी सेठ जी को, सेठ जी आ गए। सेठ जी को भी मन कुछ खुश था, उन्होंने आमंत्रित कर दिया घर पर, आइए आइए। अब सेठ जी को जलपान, सेठ जी ने जलपान करवाया साधु महाराज को। अब साधु महाराज को मन की बात कहनी थी, कही हमारे सारे पड़ोसी मेरे को परेशान करते हैं, ऐसी कोई पूजा बता दें, कोई मंत्र बता दें, परमात्मा भी मिल जाए, परमेश्वर भी मिल जाए और कुछ सामग्री की आवश्यकता ना पड़े। ये सामग्री तो सब लानी पड़ती है, अबीर गुलाल लाना, कीकू मौली सोपारी पंचमेवा प्रसाद लौंग इलायची दूध दही घी शक्कर शहद अन्य कई सामग्रियां। नहीं नहीं, तो उन्होंने कहा लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। वो कह मैं जल भी नहीं लाऊंगा, मत लाना। अब सेठ जी सुबह 6 बजे दुकान खोलते, उन्होंने उनको बता दिया साधु महाराज ने, कोई आशीर्वाद ही था ऊपर का परमात्मा का, कुछ भी मत लाना सामग्री, ठीक है। अब उन्होंने बताया उस हिसाब से वो करना शुरू कर दिया पूजन। अब पूजन करना क्या है, भगवान को तो मंदिर से लेना ही नहीं, अंदर ऐसे ही कल्पना ही करनी है, कल्पना बताई उनको कि मानसिक पूजा करनी है। अब मानसिक पूजा के लिए लक्ष्मी जी गणेश जी की आराधना करके थाली में विराजमान किया। अब जल लेना ही नहीं है तो जल की ऐसे ही कल्पना की, ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांग विवाह यस्मरहित पुंडिकाक्ष भाव्यांतर सुचि। अब आचमनम करना है तो जल तो लेना ही नहीं है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नस्पृक्षान्नम आदुलादु। अब पुष्प लाना ही नहीं है,
भगवान की आराधना करनी, पुष्प मानसिकता से बहुत जबरदस्त अच्छे अच्छे पुष्प लेने हैं कमल के वगैरह के, और याद करना है भगवान का, ध्यान करना है। ओम गणानंदवा गणपति घूम हवा हमाय, मंत्र आए तो अच्छी बात, ना आए तो ओम गण गणपते नमः, लक्ष्मी जी का मंत्र। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम गम लय गम ला लय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी ऐ नमः, और पुष्प लेकर के भगवान के चरणों में अर्पित करना। अब भगवान को मैं पैर धोने जा रहा हूं जल का एक चम्मच भर के, कल्पना ही करनी है मानसिकता से। अब मैं हाथ धुलवा रहा हूं, अब मैं मुख धुलवा रहा हूं, अब मैं सात नदियों का तीर्थ स्थानों का पानी लेकर के आया हूं, उससे नहला रहा हूं भगवान को प्रेम से, बड़ा आनंद आ रहा है। अब मैं दूध से नहला रहा हूं, अब वापस उस जल से, अब दही से नहला रहा हूं। ओम दधि ग्रहण अखारिकंड मंत्र बोल, मंत्र ना आए तो ओम दधि से नहला रहा हूं, दधि समर्पयामि। फिर उसके बाद में शुद्ध जल से वापस, फिर सकरा से, फिर धृत से, पसद से, मधु से, फिर पंचामृत बना करके, ऐसे करते करते फिर भगवान को वापस शुद्ध जल से करवा के इत्र से नहला दिया, फलों के रस से नहला दिया, अभिषेक कर रहे हैं। फिर अभिषेक भी तो अच्छे पदार्थों से करना है, इक्षु सार लेके आ गए, उससे भगवान का अभिषेक कर रहे हैं। अब आनंद ले रहे हैं, जबरदस्त आनंद आ रहा है। अब भगवान को पहुंच लिया, अब वस्त्र पहना दिए, अब यज्ञोपवीत पहना दिया गणेश जी को, लक्ष्मी जी को साड़ी पहना दी वस्त्र। ओम युवा सुवासा परिवीता सान सौस्त्रयान भवती जायमान तंधेरा सकवयो उन्नयंति स्वाध्यो मनसा देवयंत्र वस्त्रम समर्पयामि। फिर तिलक करो भगवान के, गंध द्वारा हदुराधर साहम नित्य पुष्टाम करिष्णिम ईश्वरी सर्वभूतानाम तामयोपवेश। आनंद ले रहे हैं आंखें मीच करके, अब आनंद ही आनंद आ रहा है। ऐसे करते करते समय भी ज्यादा लगना शुरू हो गया, उनको आनंद आना शुरू हो गया सेठ जी को। एक दिन की बात है, वो पंचामृत बना रहे थे, पंचामृत बनाते बनाते क्या हुआ, ये दूध ले लिया 100 ग्राम, अब दही ले लिया 100 ग्राम, अब घी ले लिया, शक्कर ले ली, 5 वस्तुएं ले ली, दूध दही घी शक्कर शहद। अब हुआ क्या कि शक्कर ज्यादा बढ़ गई 200 ग्राम। अब सेठ जी विचार कर रहे हैं कि शक्कर को वापस निकाल दूं, फिर वापस मन को समझा रहे हैं कौन सी अपने मानसिकता से ही डाली है। अब उस मंथन में चल रहे हैं, निकाल दूं ज्यादा चली गई शक्कर या रहने दूं। करते करते सेठ जी काफी देर मंथन किया कि कौन सी, पैसे तो लगे नहीं है, निकाल ही देनी चाहिए। ऐसे करते करते सेठ जी ने हाथ पंचामृत में डाल ही दिया और शक्कर निकालनी शुरू की। इतने में लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, पूछा भैया क्या कर रहा है तू, अब सही में शक्कर ली नहीं और शक्कर को निकाल रहा है। और भाई आज पड़ गई मन से, वो कर ही रहे थे, द्वंद था ही मन में, चल ही रहा था कि आज शक्कर मानसिकता से गिरी है, कल वास्तविकता में इतनी शक्कर गिर जाएगी, नुकसान हो जाएगा। इतने में भगवान ने उनको रोक दिया कि अब क्या कर रहे हो भाई। तो भगवान के दर्शन हो गए, उन्होंने कहा ये पहले ही मेरे को पता होता तो मैं तो फर्स्ट दिन ही डाल देता, हमेशा ही 2-2 घंटे 4-4 घंटे आपकी पूजा कर रहा हूं, मेरे को आनंद आ रहा है, दुकान भी लेट खोलनी शुरू कर दी है, 9-10 बज जाते हैं दुकान खोलते खोलते, लेकिन आनंद आ गया, दर्शन हो गए भगवान के। बोल महालक्ष्मी मात की जय, वो दर्शन हो गए। तो वस्तुतः भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, वह तो भाव के भूखे हैं। संसार में ऐसे दिव्य पदार्थ उपलब्ध है,
जिनसे परमेश्वर की पूजा की जा सके। इसलिए पुराणों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में मानस पूजा का बड़ा ही महत्व माना गया है। मानस पूजा में भक्त अपने इष्ट देव मुक्तमणि मंडित सोने के सिंहासन पर विराजमान करता है। स्वर्ग लोक की मंदाकिनी गंगा के जल से, अन्य तीर्थ स्थानों के जल से आराध्य को नहलाता है। काम धेनु के गो के दुग्ध से पंचामृत का निर्माण करता है। भगवान को वस्त्र भी दिव्य अलौकिक श्रृंगार करता है। अपने आराध्य के लिए कुबेर की पुष्प वाटिका से स्वर्ण कमल के पुष्पों का भगवान के चरणों में अर्पित करता है। भावना से वायु रूपी धूप, अग्नि रूपी दीपक, अमृत रूपी नैवेद्य भगवान को अर्पण करके भरसक प्रयास करता है। प्रभु के चरणों में भावना से भक्त अपना सर्वस्व अर्पण कर लेता है। या शास्त्र प्रमाण कुछ विधियां भी दे रखी है। पृथ्वी आत्मा का गंदा परिकल्पयामि, आप परिकल्पना कर सकते हैं। हे प्रभु, मैं पृथ्वी रूपी चंदन आपको अर्पित करता हूं। ओम हम आकाशात्मक पुष्प परिकल्पयामि, हे प्रभु मैं आकाश रूपी पुष्प आपको अर्पित करता हूं। ओम यम वायात्मक धूपम परिकल्पयामि, हे प्रभु मैं वायुदेव के रूप में धूप आपको प्रदान करता हूं। ओम रम वायात्मक दीपम दर्शयामि, हे प्रभु अग्निदेव के रूप में दीपक आपको प्रदान करता हूं। ओम अमरात्मक नैवेद्यम निवेद्यामि, हे प्रभु मैं अमृत के समान निवेद्य आपको निवेदित करता हूं। ओम सोम सर्वात्मक सर्वोपचारम समर्पयामि, हे प्रभु मैं सर्व आत्मा के रूप में संसार के सभी उपचार के आपके चरणों में अर्पित करता हूं। ऐसे मंत्रों से भी मानस पूजा की जा सकती है। मानस पूजा से चित्त एकाग्र और सरल हो जाता है। पूजा करने से रस मिलने लगता है। हां, इसका प्रचार अवश्य ही कम है। शास्त्र प्रमाण अपनाया जा सकता है, बड़ा ही आनंद आता है। मानस पूजा में साधक को जितना समय लगता है उतना भगवान के संपर्क में रहता है। तब तक वह संसार से उससे दूर हट जाता है। संसार से इसमें आराध्य देव के लिए बढ़िया से बढ़िया रत्न घटित आसन, सुगंध के व्यवचार, दिव्य फूल की कल्पना करता है। व्यक्ति मन वहां से दौड़कर उन्हें जुटाता रहता है। इस तरह से मन को दौड़ाने की, कल्पनाओं की उड़ान भरने की इस पद्धति से पूरी छूट मिल जाती है। इसमें दौड़ने के लिए क्षेत्र बड़ा विस्तृत हो जाता है। भगवान की कल्पना के लिए हम दायरे में अनंत ब्रह्मांड ही नहीं, अपितु इसकी पहुंच पूरे गोलोक, साकेत लोक, शिवलोक तक पहुंच जाता है। इंद्र लोक से ब्रह्मलोक तक दौड़ता है। इससे भगवान की अद्भुत सेवा हो जाती है। साधक जितनी सामग्री जुटाने में समय व्यतीत करता है उतना समय अंतर जगत में बिताता है। मानस पूजा से साधक समाधि की ओर आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे आपको आना आना शुरू होता है। आप ईश्वर की ओर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। उसके रसास्वाद का आभास भी बड़ा दुर्लभ होता है। अपने प्रभु को जूही, चमेली, चंपा, गुलाब, न जाने कितने सुगंधित पुष्प भगवान को अर्पित करता है और उसकी महक में आनंद विभोर हो जाता है। नहीं तो फिर दूसरी ओर पूजा में भागदौड़ करके सामग्री लाना, आर्थिक कठिनाई मुंह बाहे खड़ी रहती है, हो जाती है। इतनी चिंता में भगवान से बनाया मधुर संबंध टूट जाता है। यह मानस पूजा में यह अड़चन नहीं आती।
कोमल से ताशे बनाया मधुर संबंध ये टूट जाता है। ये मानस पूजा में अड़चन भी नहीं आती। भावनाओं से उत्पन्न की गई वनमाला है, तुरंत तैयार मिलती है। पहनाते समय प्रभु किशोर अमृत सांसों में जब इसकी सुगंध टकराती है, तब नस नस में मादकता व्याप्त हो जाती है। प्रभु के स्पर्श पाकर उद्दीलित उठती है। ऐसी महालक्ष्मी प्रभु का आशीर्वाद पाइए, कुबेर जी का आशीर्वाद।